एक डॉक्टर के रूप में काम करते थे, सभी मरीजों की सेवा कर रहे थे, कोरोना के मरीजों के लिए भी कोरोना हो गया जी। और कोरोना में हॉस्पिटल में फिर उनकी डेथ हो गई। अरे भाई ये स्टील वाला कैमरा पीछे कर लो थोड़ा सा, और जैसा आप लोग थोड़ा पीछे कर लो भाई कैमरा। जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उन लोगों को हौसला देने के लिए और उनकी मदद करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये यूनिक योजना कि अगर हमारे किसी भी कोरोना वॉरियर की काम करते हुए उनको कोरोना हो जाता है, उनकी डेथ होती है, वो अगर शहीद हो जाते हैं तो हम उन्हें उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद करेंगे। तो उसी योजना के तहत आज मैं परिवार से मिलने भी आया और उनको ये सहयोग राशि हम लोगों ने दी है। वैसे तो किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस राशि से उन्हें मदद मिलेगी। और उनकी जो वाइफ हैं वो काफ़ी एजुकेटेड हैं, उन्हें हम सरकार में नौकरी भी देंगे और जो भी है उनकी जरूरत है उसके बाद हम वो सभी जरूरतें पूरी करने की अरविंद कोशिश तो की जा रही है। अब ऐसे कोरोना वॉरियर्स को बचाया जा सके इसके लिए वैक्सीन भी पहुंची है, लेकिन कुछ भ्रांतियां भी हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि फर्स्ट डोज जो है वो 16 तारीख से लगने वाला है। मुझे खुशी है कि 16 तारीख से वैक्सीन लगनी चालू हो जाएगी दिल्ली में, और सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को जो हेल्थ वर्कर्स है उनको दी जाएगी, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद ये जो पिछला एक साल मुझे लोगों को राहत मिलेगी और कोरोना से जो भ्रांतियां हैं आपको उनको लिए अपील करना चाहेंगे कि सब लोग लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इसके बारे में कोई भ्रांतियां ना फैलाई जाएं। और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार ने और जितने हमारे वैज्ञानिक हैं उन सभी वैज्ञानिकों ने सारी जो भी सेफ गार्ड्स हैं वो सभी सेफ गार्ड्स फॉलो करके ये दवाई लाई गई है। तो किसी तरह का कोई भी मन में शंका नहीं होनी चाहिए और सब आगे बढ़ के इस पर लगे। गरीब तबके के लोग जो वैक्सीन नहीं दिलवा पाएंगे उसके लिए सरकार क्या करेगी? सरकार इसके लिए जो भी मैंने अपील की थी केंद्र सरकार से, मैंने अपील की थी कि हमारा देश बहुत गरीब है और इस तरह की महामारी 100 साल में पहली बार आई है। पहले इसके 1918 में इस तरह की महामारी आई थी, 100 साल के बाद इस तरह की महामारी आई है और बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है इसको अफोर्ड ना कर पाए। तो मेरी अपील थी केंद्र सरकार से कि पूरे देश में सभी लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। तो हम देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या करती है और अगर ज़रूरत पड़ेगी और केंद्र सर तो दिल्ली के लोगों के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी केंद्र सरकार अगर नहीं करेगी तो दिल्ली के लोगों के लिए अवेलेबल। अरविंद पता नहीं चल रही है पंजाब में।